नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर एंड चेयरमैन श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज मैं आपके सामने एक ऐसी तकलीफ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जो खास करके बहुत सारे छोटे बच्चे और कितना बार ऑपरेशन होने के बाद से ये केहनी की ज्वाइंट जाम हो जाने वाली समस्या के बारे में चर्चा करूंगा और इसके लिए क्या एक्सरसाइज करें, किस तरह से एक्सरसाइज करें इसकी चर्चा करूंगा। केहनी का ज्वाइंट जो बाकी सारे ज्वाइंटों से बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है, ये बहुत ही सेंसिटिव ज्वाइंट है और यहाँ पे कितना बार ऐसा होता है, मैंने एक बार पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था कि केवल मालिश कर देने से ज्वाइंट जाम हो जाता है, लेकिन कितना बार चोट लगा, चाहे कितना बार ऐसा होता है कि सर्जरी हुआ केहनी में और ज्वाइंट जाम हो जाता है। एक्चुअली ये ज्वाइंट इतना सेंसिटिव है कि इसमें एक्सरसाइज बहुत ही जेंटल एक्सरसाइज का महत्व है, इसमें बहुत ही प्रेशर से एक्सरसाइज करना मना करते हैं हम लोग। और कोई भी जैसे खास करके अगर फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर होने के बाद से अधिकतर समय ऐसा होता है कि केहनी ज्वाइंट में जाम हो गया, तो उस वक्त ध्यान यही देना है कि यहाँ पे जबरदस्ती नहीं करना है, खींचातानी नहीं करना है, मालिश नहीं करना है। इनफैक्ट कितना बार ऐसा रहता है खास करके बच्चों में, अगर उनको कष्ट नहीं होता है तो शुरू में तो थोड़ा जाम रहता है कि कितना दिन हम लोग प्लास्टर लगा के रख दिए तो जाम हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको केवल प्यार से चलाएं, और इनफैक्ट बच्चा सब तो अगर उसको पेन नहीं होता खुद ही चलाता है, अगर उसको जेंटली वो मोबिलाइज करे, प्यार से चलाए, तो अपने आप ही कुछ समय लगता है, कितना बार एक महीना डेढ़ महीना वो आ जाता है। लेकिन अगर इसमें आपने जबरदस्ती कर दिया, इसमें खींचातानी कर दिया, तो ये जो जाम है वो परमानेंट हो जाता है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जैसे ही आप खींचातानी या जबरदस्ती इसमें किए, यहाँ ब्लीडिंग हो गया, ब्लीडिंग बाद में ऑर्गेनाइज होके बोन बन जाता है और ये स्टिफनेस परमानेंट हो जाता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी केहनी जाम है तो इसे कभी भी एक प्रोफेशनल आदमी के पास ही जाके, कोई क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाके इसको एक्सरसाइज कराएं, जबरदस्ती खींचातानी ना कराएं, गांव में अनक्वालिफाइड बोन सेटर के पास ना जाएं और इसको खिंचवाएं, तनवाएं, मालिश वगैरह ना करवाएं, इसको आराम से धीरे धीरे चलाएं, अधिकतर समय आ जाता है। लेकिन कितना बार बहुत कोशिश करने के बाद से भी कुछ स्टिफनेस रह जाती है जो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म रहे, लेकिन अगर आप इसमें जबरदस्ती करते हैं तो कितना बार ऐसा भी होता है कि जितना आ सकता था उतना भी नहीं आता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काम का था तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।